दोस्तों ये जो गुस्से से भरे लोग अभी आपने देखा है कि सड़कों के ऊपर जो अपना गुस्सा है वो लोग दिखा रहे हैं, ये किसी गल्फ कंट्री का वीडियो नहीं है, कतर, ओमान, कुवैत, सऊदी अरब, ये वहाँ का वीडियो नहीं है, बल्कि हमारे पड़ोसी देश जिसका नाम है बांग्लादेश, वहाँ से ये वीडियो सामने आई है जिसमें आप गुस्सा देखेंगे लोगों का, तो आप भी आपको भी समझ में आएगा कि वाकई वाकई यहाँ पे जो गुस्सा है वो लोगों को देखने को मिल रहा है। व्हाट्सअप गाइज, अस्सलाम वालेकुम, अपनारा केमन आसेन, आशा करी सबाई भलो आसेन, आमी जुनेद अपनारा देखते सन जुनेद अली ऑफिशियल, आमी अपनादर जुनू आगती वीडियो प्ले करते जर्ची सबाई देखबिन, आशा करी सबाई देखबिन भलो लगबे। आज बात करने वाले हैं अरेस्ट नूपुर शर्मा, बांग्लादेश प्रोटेस्ट अंगेंस्ट नूपुर शर्मा बीजेपी। भारतीय मीडिया का ये कहना है कि बांग्लादेश में नूपुर शर्मा के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि इसको गिरफ्तार किया जाए और इसको सजा दी जाए, क्योंकि इसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। मजीद क्या कह रहा भारतीय मीडिया बांग्लादेश के इस प्रोटेस्ट के हवाले से, आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएँ ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी, हैवी गो। दोस्तों ये जो गुस्से से भरे लोग अभी आपने देखा है कि सड़कों के ऊपर जो अपना गुस्सा है वो लोग दिखा रहे हैं, ये किसी गल्फ कंट्री का वीडियो नहीं है, कतर, ओमान, कुवैत, सऊदी अरब, ये वहाँ का वीडियो नहीं है, बल्कि हमारे पड़ोसी देश जिसका नाम है बांग्लादेश, वहाँ से ये वीडियो सामने आई है जिसमें आप गुस्सा देखेंगे लोगों का, तो आप भी आपको भी समझ में आएगा कि वाकई वाकई यहाँ पे जो गुस्सा है वो लोगों को देखने को मिल रहा है। तमाम तस्वीरें आपने देखे सऊदी अरब का, कतर, ओमान, कुवैत, लेकिन अब जो है मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बांग्लादेश में ये गुस्सा जो है उमड़ पड़ा है और कितना कड़ा रुख जो है वो बांग्लादेश ने अपनाया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक चुनौती के तौर पे बांग्लादेश ने ये तमाम खबरें जो है वो सामने रखी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप पहले इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो देख लिया आपने, ये पैसे से बुलाई गई भीड़ नहीं है, लोगों का जज्बात उमड़ पड़ा है, लोग गुस्से में आए हुए क्योंकि काम ही ऐसा हुआ है और काम लगातार हो रहा था, जिसको लेकर आपने देखा कि कैसे गल्फ कंट्री ने बड़े बड़े कदम उठाए, जिसको लेकर हमारे देश का जो है सर झुका है, हमारे देश को कई जगह पे माफ़ी मांगनी पड़ी है। ये सब कुछ नहीं होता अगर पहले ही ये कदम जो है वो उठा लिया जाता, लेकिन अब गुस्सा जो है वो आप देख लीजिए कि बांग्लादेश में भी उमड़ पड़ा है, जिसको लेकर बांग्लादेश ने भी कड़ा रुख जो है वो अपनाया है। मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश की तरफ से जो बयान आया है जिसमें कहा यह गया है कि कट्टरपंथी की बांग्लादेश में कोई जगह नहीं है, कट्टरपंथियों के लिए जीरो टॉलरेंस की राजनीति बांग्लादेश में चलती है, और ये 100% सही भी है। अभी आपने कुछ महीने पहले या कुछ लगभग आधा साल हुआ होगा आपने देखा कि मूर्ति को लेकर वहाँ हिंदू मुसलमान में एक साथ जो है वो हुआ था वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे बताया गया कि जीरो टॉलरेंस की राजनीति चलती है, कट्टरवादियों के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं, जो कि एक नसीहत के तौर पे बताया गया है हमारे देश को कि कट्टरपंथी के खिलाफ आप भी कोई कदम उठाइए, वरना हमारे देश में भी ये भावना जो है भड़क सकता है और इससे दोनों का ही नुकसान होगा। जब आप देख लीजिए कि इतना दिन हो गया इस बयान को लेकर जो कि टीवी डिबेट पे दिया गया, उसके बाद कई दिनों के बाद जब गल्फ कंट्री ने कदम उठाया उसके बाद यहाँ पे पार्टी से इन लोगों को निलंबित किया जाता है, लेकिन अभी भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मतलब ये किस तरीके की राजनीति है ये आप समझ सकते हैं कि सिर्फ पार्टी से हटा दो काम हो गया, और जो इसने जुल्म किया है, जो संविधान के खिलाफ ये लोग जाकर ये लोग काम कर रहे थे उनके खिलाफ गिरफ्तारी कब होगी। जिस तरीके से आप देख सकते हैं तमाम देश जो है वो एकजुट होकर आवाज़ उठा रहे, शायद ऐसा आपने पहली बार देखा होगा कि जब मुसलमानों के ऊपर बात आती है तो मुसलमान कहीं ना कहीं चुप हो जाते हैं, लेकिन उनके नबी के ऊपर बात आएगी तो मुसलमान चुप नहीं बैठेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि ये मामला पूरी दुनिया में फैलेगा, वही फैलता वो आपको नज़र आ रहा है। तो जी ये थी वीडियो, और आपने देखा कि भारतीय मीडिया के ऊपर भी ये बात की जा रही है कि इतने दिन हो चुके हैं इस बयान के आए हुए, अभी तक नूपुर शर्मा को अरेस्ट नहीं किया गया,
और हुकूमत ने सिर्फ उनको सीट से हटा दिया, इतना ही काम बहुत है। गल्फ कंट्री से शदीद एहतजाज आया, उन्होंने हिंदुस्तान के प्रोडक्ट के ऊपर बाइकॉट का ऐलान किया। उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी भरपूर एहतजाज किया गया। ये वीडियो बांग्लादेश की है। बांग्लादेश के अंदर ऐसा कोई भी वाकया हो तो उसके बाद वहाँ पे इतने बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट होते हैं कि लोग देखने वाले होते हैं और बहुत ही ज़्यादा भीड़ जमा हो जाती है। यही कुछ हुआ इस दफ़ा भी। बांग्लादेश के अंदर बड़े पैमाने पर एहतजाज किए गए, जुमे की नमाज के बाद भी रैलियाँ निकाली गई और हिंदुस्तान को ये वाज़ह पैगाम दिया गया कि आप इसके ऊपर काबू पाएँ, वरना ऐसे ही हालात बांग्लादेश में भी पैदा हो सकती हैं। इसी तरह मुसलमान भी भड़क कर हिंदुओं के ऊपर अटैक कर सकते हैं। अगर आपने इन वाकयात को नहीं रोका तो ये आने वाले टाइम पे बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी ऐसे ही वाकयात होते हुए आपको अमूमन नज़र आएंगे। वहाँ की हुकूमत ने काफ़ी सख्त पॉलिसियाँ बनाई हैं जिसकी वजह से वहाँ पे वाकयात बहुत कम रोनुमा होते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर इस टाइम पर तो कंपेन चल रही है मुसलमानों के खिलाफ। कभी मस्जिद तोड़ दो, कभी वहाँ पे शिवलिंग निकल आया, कभी मुसलमानों के मज़हब के ऊपर तनकीद की जा रही है, मज़हब के ऊपर गुस्ताखियाँ की जा रही हैं। अब मुसलमानों को ये पता चल रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ कितनी बड़ी ज़्यादती हो रही है। सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में रहने वाले सिख ईसाई भी इनसे काफ़ी ज़्यादा परेशान है। कुछ मुट्ठी भर हिंदू इंतहा पसंद मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों का रहना काफ़ी ज़्यादा दोबर बना रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बना रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम पे इन वाकयात को रोकने के लिए हुकूमत को सख्त एक्शन लेना चाहिए, लेकिन हुकूमत भी इन इंतहा पसंदों के साथ मिली हुई है जिसकी वजह से कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। आने वाले टाइम पर देखना होगा कि क्या ये हालात काबू में आते हैं या मज़ीद सूरत हाल बिगड़ती है। आप इस वीडियो के हवाले से क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।